हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम साइक्लोएडिशन रिएक्शन के लिए एफएमओ मेथड सीख चुके हैं। आज हम साइक्लोएडिशन रिएक्शन के लिए कोरिलेशन डायग्राम देखेंगे। साइक्लोएडिशन रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग कोरिलेशन डायग्राम्स। According to orbital symmetry theory, the symmetry of orbitals of triactrons must be conserved as they are transformed into orbitals of products. मतलब कि जब reactant की orbital का transformation product की orbitals में होता है तब symmetry change नहीं होनी चाहिए, symmetry must be conserved. 2+2 cycloaddition reaction. When addition of two ethylene molecules vertically or parallel to form cyclobutane, such a system has vertical sigma V and horizontal sigma H planes of symmetry, which shall be referred to as 1 and 2 respectively, which is also maintained in product. दो इथिलीन मॉलिक्यूल्स का वर्टिकली एडिशन से हमें प्रोडक्ट साइक्लोब्यूटेन मिलती है, जिसमें दो मिरर प्लेन है, एक सिग्मा वी और दूसरा सिग्मा एच, जिसको हम 1 and 2 से भी डिनोट करते हैं। ये दोनों सिग्मा वी एंड सिग्मा एच सिमेट्री प्रोडक्ट में भी मेंटेन होती है। फिगर में बताया गया है कि प्लेन वन यानी कि सिग्मा एच दो मॉलिक्यूल्स के बीच है और परपेंडिकुलर टू द पी ऑर्बिटल्स, वाइल सिग्मा वी इज बाइसेक्ट टू इथिलीन मॉलिक्यूल्स परपेंडिकुलर टू पाई बॉन्ड। हेंस द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कोरिलेशन ऑफ दिस सिमेट्री एलिमेंट्स। इस दो मिरर प्लेन की सिमेट्री के जरिए हम कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके जरिए हम वुडवर्ड हॉफमैन सिलेक्शन रूल डिराइव करेंगे। यहाँ रिएक्टेंट में दो इथिलीन मॉलिक्यूल है, जिसमें हर एक इथिलीन के पास एक पाई एंड पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एक इथिलीन मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंट्रैक्शन दूसरे इथिलीन मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से होता है और साइक्लोब्यूटेन मिलता है। उसमें चार पॉसिबिलिटी है। जब एक इथिलीन की पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का दूसरे इथिलीन की पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से होता है और उसमें दोनों बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होते हैं, उसको हम पाई वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। पाई वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेन वन यहाँ मिरर रखेंगे तो प्लस का मिरर इमेज प्लस, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, यानी कि मिरर प्लेन वन के लिए सिमेट्री होगी सिमेट्रिकल। जबकि यहाँ बीच में प्लेन टू देखेंगे तो उसमें भी माइनस का मिरर इमेज माइनस है, यानी कि प्लेन टू भी सिमेट्रिकल है। दूसरी पॉसिबिलिटी में पाई माइनस पाई, यानी कि दोनों इथिलीन की पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होता है और हमें पाई टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती है, जिसमें प्लेन वन माइनस का मिरर इमेज प्लस और प्लस का मिरर इमेज माइनस मिलता है, यानी कि प्लेन वन के लिए सिमेट्री होगी एंटी सिमेट्री, जबकि प्लेन टू सिमेट्रिकल होगा। दोनों इथिलीन की पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, यानी कि पाई स्टार प्लस पाई स्टार, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सी टू सिमेट्रिकल है, प्लस माइनस दूसरे में प्लस माइनस, प्लस प्लस सेम फेज
बॉन्डिंग इंटरेक्शन, माइनस माइनस सेम फेज यानी कि बॉन्डिंग इंटरेक्शन, यानी कि पाई स्टार प्लस पाई स्टार से हमें तीसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी पाई थ्री स्टार। उसमें प्लेन वन यानी कि सिग्मा एच सिमेट्रिकल है, जबकि सिग्मा वी एंटी सिमेट्रिकल है। दो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन से हमें पाई फोर स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी, जिसमें सिग्मा एच प्लस का मिरर इमेज माइनस यानी कि एंटी सिमेट्रिक, सिग्मा वी ऑपोजिट मिरर इमेज मिलती है यानी कि वो भी एंटी सिमेट्रिक है, यानी कि पाई फोर स्टार में सिग्मा वी एंड सिग्मा एच बोथ आर एंटी सिमेट्रिक। जबकि यहाँ पाई वन मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्लेन वन यानी कि सिग्मा एच सिमेट्रिकल एंड प्लेन टू यानी कि सिग्मा वी सिमेट्रिकल होगा, जबकि पाई टू में प्लेन वन एंटी सिमेट्रिक प्लेन टू सिमेट्रिकल होगा, पाई थ्री स्टार में प्लेन वन सिग्मा एच सिमेट्रिकल एंड प्लेन टू सिग्मा वी एंटी सिमेट्रिक होगा, जबकि पाई फोर स्टार में प्लेन वन एंड टू दोनों एंटी सिमेट्रिक होंगे। नाउ लेट अस कंसीडर द इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द प्रोडक्ट साइक्लोब्यूटेन। टू सिग्मा बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व एंड देर आर फोर इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल्स शोन बिलो एलोंग विद देयर सिमेट्री प्रॉपर्टीज एज डिस्कस अर्लियर। प्रोडक्ट साइक्लोब्यूटेन में दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उसमें चार इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉसिबल है, जिसकी सिग्मा वी एंड सिग्मा एच सिमेट्री नीचे दिखाई गई है। दो सिग्मा प्लस सिग्मा दोनों बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, ये सिग्मा बॉन्ड है प्लस प्लस, दूसरा भी सिग्मा बॉन्ड प्लस प्लस यानी कि सिग्मा प्लस सिग्मा, ये एक सिग्मा बॉन्ड है बॉन्डिंग इंट्रैक्शन ऑन बॉन्ड एक्सिस। सिग्मा माइनस सिग्मा यानी कि एक में दो प्लस प्लस लोब और दूसरे में दोनों माइनस माइनस लोब के बीच इंट्रैक्शन होगा यानी सिग्मा माइनस सिग्मा। सिग्मा स्टार प्लस सिग्मा स्टार में दो ऑपोजिट फेज हो गए प्लस माइनस। सिग्मा स्टार प्लस सिग्मा स्टार मतलब कि सिग्मा स्टार यहाँ जैसी दिखाई गई ऐसी ही यहाँ लिखेंगे कि प्लस माइनस यानी कि सिग्मा स्टार प्लस सिग्मा स्टार। जबकि चौथी सिग्मा स्टार माइनस सिग्मा स्टार यानी कि दोनों ऑपोजिट फेज। सिग्मा स्टार माइनस सिग्मा स्टार यानी कि दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों माइनस है तो यहाँ प्लस और प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे यानी कि सिग्मा स्टार माइनस सिग्मा स्टार हो गई। सिग्मा प्लस सिग्मा से सिग्मा वन, सिग्मा माइनस सिग्मा से सिग्मा टू, सिग्मा स्टार प्लस सिग्मा स्टार से सिग्मा थ्री स्टार, सिग्मा स्टार एंड सिग्मा माइनस सिग्मा स्टार से सिग्मा फोर स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी। सिग्मा वन में प्लेन वन सिमेट्रिकल जबकि प्लेन टू भी सिमेट्रिकल है। सिग्मा टू में प्लेन वन सिमेट्रिकल है जबकि प्लेन टू प्लस का मिरर इमेज माइनस यानी कि एंटी सिमेट्रिक है। सिग्मा थ्री स्टार में प्लेन वन सिग्मा एच माइनस का मिरर इमेज प्लस यानी कि एंटी सिमेट्रिक है, जबकि सिग्मा वे प्लेन टू सिमेट्रिकल है। सिग्मा फोर स्टार में प्लेन वन एंटी सिमेट्रिक एंड प्लेन टू बी
एंटी सिमेट्रिक है। ड्रॉ द कोरिलेशन डायग्राम। आफ्टर द डिस्कसिंग सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द फोर ऑर्बिटल्स ऑफ टू इथिलीन मॉलिक्यूल्स एंड फोर सिग्मा ऑर्बिटल्स ऑफ साइक्लोब्यूटेन, ए कोरिलेशन डायग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर इथिलीन साइक्लोब्यूटेन कन्वर्जन एज शॉन इन फिगर। दो इथिलीन की फोर पाइव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड साइक्लोब्यूटेन की फोर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री प्रॉपर्टी तय करने के बाद हम कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें दो सेम सिमेट्री वाली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कनेक्ट करेंगे और इसके लिए सेम सिमेट्री वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम एक लाइन से कनेक्ट करेंगे और कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो उसमें हमें इस तरह से कोरिलेशन डायग्राम मिलेगा, जिसमें लेफ्ट साइड में दोनों इथिलीन की फोर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाया है, जिसमें पाई वन, पाई टू, पाई थ्री स्टार एंड पाई फोर स्टार। पाई वन में दोनों सिमेट्रिकल, पाई टू में दोनों प्लेन में एक प्लेन वन एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिकल है, और पाई थ्री स्टार एंड पाई फोर स्टार में भी प्लेन वन और टू के लिए इस तरह सिमेट्रिक होगी, जो आगे हम देख गए हैं। साइक्लोब्यूटेन की चार सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा वन में SS, सिग्मा टू में सिमेट्रिकल और एंटी सिमेट्रिकल, सिग्मा थ्री स्टार में एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिकल, जबकि सिग्मा फोर स्टार में प्लेन वन एंटी सिमेट्रिक एंड प्लेन टू भी एंटी सिमेट्रिक होगा। दोनों की सेम सिमेट्री वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लाइन से कोरिलेटेड करेंगे तो पाई वन का कोरिलेशन होगा सिग्मा वन से, क्योंकि पाई वन में दोनों सिमेट्रिकल है, पाई टू में भी दोनों सिमेट्रिकल है। पाई टू में प्लेन वन एंटी सिमेट्रिक, प्लेन टू सिमेट्रिकल है, तो उसका कोरिलेशन होगा सिग्मा थ्री स्टार से, जबकि पाई थ्री स्टार में प्लेन वन सिमेट्रिकल एंड प्लेन टू एंटी सिमेट्रिकल है, तो उसका कोरिलेशन होगा सिग्मा टू से। पाई फोर स्टार में प्लेन वन एंड प्लेन टू दोनों एंटी सिमेट्रिक है, यानी कि इसका कोरिलेशन होगा सिग्मा फोर स्टार से। कोरिलेशन डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में दोनों इथिलीन में टोटल फोर पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाई वन टू पाई टू टू ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जबकि साइक्लोब्यूटेन में सिग्मा वन टू सिग्मा टू टू ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी कि पाई वन टू एंड पाई टू सिग्मा वन एंड सिग्मा टू ग्राउंड स्टेट की दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। कोरिलेशन डायग्राम में हम देखते हैं कि पाई वन सिग्मा वन के साथ रिलेटेड है, जबकि पाई टू सिग्मा स्टार के साथ रिलेटेड होनी चाहिए, जबकि वो सिग्मा थ्री स्टार के साथ कोरिलेटेड है। सिग्मा वन पाई वन से है, सिग्मा टू साई थ्री पाई थ्री स्टार से कोरिलेटेड है, जबकि वो पाई टू से होनी चाहिए, यानी कि पाई वन पाई टू सिग्मा वन सिग्मा टू से एंड सिग्मा वन सिग्मा टू पाई वन पाई टू से कोरिलेटेड नहीं है, जब दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड ना हो, तो ऐसी कंडीशन में थर्मल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब कि यहाँ टू प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन थर्मल प्रोसेस इज सिमेट्रिकली फॉरबिडन। फोटोकेमिकल में देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पाई टू में से पाई थ्री स्टार में जाएगा और
साइक्लोब्यूटेन में एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा टू में से सिग्मा थ्री स्टार में जाएगा, यानी कि यहाँ पाई वन पाई टू एंड पाई थ्री स्टार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगी, जबकि साइक्लोब्यूटेन में सिग्मा वन सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री स्टार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगी। दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जब दोनों की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो तो ऐसी रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड है। मतलब कि यहाँ 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज फोटोकेमिकली अलाउड। एग्जाम्पल टू, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, उसको हम डील्सल्डर रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन ऑफ वन इथिलीन मॉलिक्यूल्स एंड 1,1,3-butadiene मॉलिक्यूल टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। जब एक इथिलीन मॉलिक्यूल एंड एक 1,3-butadiene मॉलिक्यूल के बीच एडिशन रिएक्शन होती है तो हमें साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट मिलती है, जिसमें एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दी गई है, यानी कि यहाँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में एक ही सिमेट्री पॉसिबल है, जिसमें सिग्मा वी दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करती है, जो प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सीन में भी दिखाई गई है। यानी कि यहाँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एक ही मिरर प्लेन होगा। ड्रॉ द कोरिलेशन डायग्राम। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू कंसीडर 6 ऑर्बिटल ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। यहाँ दो रिएक्टेंट है, 1,3-butadiene एंड इथिलीन, जबकि प्रोडक्ट होगी साइक्लोहेक्सीन। यहाँ इथिलीन की 2π मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड 1,3-butadiene की 4π मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि रिएक्टेंट की टोटल 6 मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगी, जबकि प्रोडक्ट में 6 मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगी, जिसमें साइक्लोहेक्सीन में 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1π बॉन्ड है, यानी कि 4 सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड 2π मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगी। ऑल दिस ऑर्बिटल्स अलोंग विद देयर सिमेट्री प्रॉपर्टीज आर शोन इन द कोरिलेशन डायग्राम। इसकी सिमेट्री वो कोरिलेशन डायग्राम में दिखाया गया है। कोरिलेशन डायग्राम में हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सेम सिमेट्री वाली मॉलिकुलर ऑर्बिटल को एक लाइन से कनेक्टेड करेंगे और उसका कोरिलेशन दिखाएंगे। एडिशन ऑफ 1,3-butadiene एंड इथिलीन गिव साइक्लोहेक्सीन, इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन इज साइक्लो एडिशन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज साइक्लो रिवर्जन रिएक्शन। कोरिलेशन डायग्राम में 1,3-butadiene की 4 मॉलिकुलर ऑर्बिटल Ψ1 to Ψ4 एंड इथिलीन की 2π मॉलिकुलर ऑर्बिटल पाई एंड पाई स्टार को दिखाया है। Ψ1 में चारों लोग प्लस, Ψ2 में प्लस प्लस माइनस माइनस, Ψ3 में प्लस माइनस माइनस प्लस, Ψ4 में प्लस माइनस प्लस माइनस होगा। पाई में दोनों प्लस, पाई स्टार में प्लस माइनस होगा। Ψ1 में 1, 2 एंड 3 थ्री बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, यानी कि Ψ1 की एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पर होगा, उससे ज़्यादा पाई में होगा, उससे ज़्यादा Ψ2, Ψ3, पाई स्टार एंड Ψ4। जबकि साइक्लोहेक्सीन की 6 मॉलिकुलर ऑर्बिटल में से 2 पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल पाई एंड पाई स्टार
जबकि 4 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बॉन्डिंग एंड सिग्मा 3 स्टार एंड सिग्मा 4 स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। सिग्मा 1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों प्लस प्लस सिग्मा बॉन्ड है, जबकि सिग्मा 2 में सिग्मा माइनस सिग्मा यानी कि ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस लेगी। आगे हमने जो 2+2 में देखा है ऐसी तरह ही यहाँ हम ड्रॉ करेंगे। सिग्मा 3 स्टार में सिग्मा स्टार यानी कि प्लस माइनस और सिग्मा स्टार प्लस सिग्मा स्टार यानी कि ये भी प्लस माइनस लिखेंगे। सिग्मा स्टार माइनस सिग्मा स्टार यानी कि ये सिग्मा स्टार में प्लस माइनस इंट्रेक्शन ऑपोजिट एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा स्टार माइनस सिग्मा स्टार यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस यानी कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 स्टार एंड सिग्मा 4 स्टार हम ड्रॉ कर सकते हैं। पाई में दोनों प्लस, पाई स्टार में दोनों सॉरी यहाँ प्लस लिखना है, यह प्लस है, प्लस माइनस होगा और नीचे माइनस प्लस होगा। रिएक्टेंट में साई 1 में प्लेन 1 सिग्मा वी वर्टिकल जो दिखाया है तो यहाँ हम एक प्लेन रखेंगे तो दोनों प्लस का मिरर इमेज प्लस, प्लस का मिरर इमेज प्लस यानी कि साई 1 सिमेट्रिकल है, जबकि पाई में भी सिग्मा वी सिमेट्रिकल है। साई 2 में मिरर प्लेन रखेंगे यहाँ तो मिरर रखने से प्लस का मिरर इमेज माइनस मिलता है यानी कि साई 2 एंटी सिमेट्रिक होगी। साई 3 में मिरर रखने से माइनस का मिरर इमेज माइनस यानी कि साई 3 सिमेट्रिकल है। पाई स्टार में सिग्मा भी एंटी सिमेट्रिक और साई 4 में भी एंटी सिमेट्रिक होगी। सिग्मा 1 में सिग्मा वी सिमेट्रिकल, सिग्मा 2 में एंटी सिमेट्रिकल, पाई में सिमेट्रिकल, पाई स्टार में एंटी सिमेट्रिक, सिग्मा 3 स्टार में सिमेट्रिक एंड सिग्मा 4 स्टार में भी एंटी सिमेट्रिक होगी। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिमेट्री फाइंड करने के बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की सेम सिमेट्री वाली और मिनिमम एनर्जी डिफरेंट वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम एक लाइन से कोरिलेटेड करेंगे। साई 1 सिमेट्रिकल है जबकि यहाँ सिग्मा 1 सिमेट्रिकल है तो साई 1 का कोरिलेशन सिग्मा 1 से होगा। पाई सिमेट्रिकल है उसका रिलेशन प्रोडक्ट की पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से होगा। साई 2 एंटी सिमेट्रिक का कोरिलेशन प्रोडक्ट की सिग्मा 2 से होगा। साई 3 का कोरिलेशन सिग्मा 3 स्टार से, दोनों सिमेट्रिकल है। पाई स्टार का प्रोडक्ट की पाई स्टार से होगा जबकि पाई 4 का सिग्मा 4 स्टार से होगा। यहाँ साई 1 का कोरिलेशन अगर हम पाई के साथ करें तो एनर्जी डिफरेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि साई 1 का कोरिलेशन अगर पाई के साथ करेंगे तो पाई का कोरिलेशन सिग्मा 1 के साथ करना पड़ेगा। यहाँ सिग्मा 1 एंड पाई साई 1 के बीच जितना एनर्जी डिफरेंट है उससे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस सिग्मा 1 एंड पाई के बीच होगा, यानी कि सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम मिनिमम एनर्जी डिफरेंट वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड करेंगे तो उस तरह में कोरिलेटेड डायग्राम मिलेगा जिसमें रिएक्टेंट की साई 1 पाई एंड साई 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सीन की ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड पाई के साथ कोरिलेटेड है और
डायग्राम से हम दो कंक्लूजन कर सकते हैं कि यहाँ दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, मतलब कि थर्मल प्रोसेस ऑफ 4+2 साइक्लो एडिशन इज सिमेट्रिकली अलाउड, यानी कि 4+2 साइक्लो एडिशन सिर्फ थर्मली अलाउड है, फोटोकेमिकली नहीं होगा, वो हम कंक्लूजन टू में देखेंगे। तो दोनों रिएक्टेंट में फोटोकेमिकल में एक इलेक्ट्रॉन साई टू में से साई थ्री में जाएगा, साइक्लोहेक्सीन में पाई में से पाई स्टार में जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई वन पाई साई टू एंड साई थ्री होगी, जबकि साइक्लोहेक्सीन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये होगी जो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं है, उसको हमने क्रॉस से दिखाया है, मतलब कि यहाँ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में फोटोकेमिकल प्रोसेस इज सिमेट्रिकली फॉरबिडन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।